इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फटने के बाद आई सुनामी में अब तक 281 से ज्यादा लोगों की मौत, हजार से ज्यादा घायल, कई लापता, राहत और बचाव कार्य जारी। हरियाणा में रोहतक रेवाड़ी हाईवे पर कोहरे के चलते एक के बाद एक 50 गाड़ियां आपस में टकराई, 8 लोगों की मौत। राजस्थान में गहलोत कैबिनेट का गठन, 13 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली, 18 विधायक पहली बार मंत्री बने। गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी मोर्चे की कोशिशों में जुटे तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR आज कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। बिहार में NDA की सीट शेयरिंग फाइनल, बीजेपी और JDU 17-17 और LJP 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को बीजेपी राज्यसभा भेजेगी। जम्मू कश्मीर में ITBP के जवानों को ले जा रही बस रामबन के खूनी नाले में गिरी, एक जवान की मौत, 34 घायल। पश्चिम बंगाल में रथ यात्रा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तुरंत सुनवाई की मांग की। पहाड़ी इलाकों में स्नोफॉल से दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में आया, कोहरे के चलते कई ट्रेनें लेट। और CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की डेट शीट जारी, 12वीं के एग्जाम 15 फरवरी से और 10वीं के एग्जाम 21 फरवरी से।